हेलो भैया सर, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज जो है आपका जो है सब्जेक्ट मैथ में ही बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 टाइमिंग कैलेंडर, ये आपका चल रहा है बच्चों। और इसमें जो है आपको हमने कल पिछले वीडियो में टाइम टेलिंग ये आपको बताया गया था। और इसमें जो है आपको कैसे समय कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें बताई गई कि इसको आपको दो पार्ट में बताया गया था। इसमें आपका एक तरफ जो है राइट पार्ट होता है उसमें पास्ट होता है, और जो आपका लेफ्ट पार्ट पे था उसमें आप जो है टू लगाते थे, ठीक है। यानी कि वेन द मिनट हैंड, जब आपका मिनट हैंड जो है राइट पार्ट में होगा 12 to 6 होगा तो आप जो है वर्ड देन द वर्ड पास्ट इज यूज टू टाइम टेन, वहां पर जो है आप टाइम को पढ़ने के लिए पास्ट करने के लिए क्या करेंगे, पास्ट का उपयोग करेंगे। और जब आपका मिनट है लेफ्ट पार्ट में होगा, लेफ्ट पार्ट यानी किधर आपका लेफ्ट हैंड की तरफ, तो आपका क्या होगा वह 6 to 12 होगा, तो वहां जो है आप क्या यूज करेंगे वर्ड टू का, टू वर्ड आप जो है यूज करेंगे। आपको टू और पास्ट ये दोनों वर्ड जो बताया गया था उससे संबंधित जो है आपके टाइम भी बताए गए थे, ठीक है बेटा। और जो आपका सिक्स पे रहता है मिनट हैंड, तो आपका हाफ पास्ट होता है, और जब आपका नाइन पे रहता है तो क्वार्टर टू, और जो आपका थ्री पे रहता है तो क्वार्टर पास्ट। ये सारी चीजें बेटा आपको हमने पिछले पूरे निकल जो है बताया गया था। और आपका किससे संबंधित आपका एसएस सोर्स है 12.3, एसएस सोर्स है 12.3 जो है इसी चैप्टर जो था इन्हीं पर आधारित था। और इसमें टेल द टाइम सोन ऑन द फॉलोइंग क्लॉक इन टू वे, यहाँ पे घड़ी बना करके उसमें टाइम दिखाया गया था। आपको जो है उसको उस घड़ी को घड़ी के समय को जो है आपको दो तरीकों से लिखना था, राइट करना था, ठीक है। तो इसमें भी हमने आपको एक कराया था फर्स्ट, और उसमें 3, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 5 क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि आपको हमने होमवर्क रूप में करने के लिए कहा था। तो उम्मीद है बेटा इसको जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से कर लिए होंगे, ठीक है। और आज जो है हम इसी के आगे पेज नंबर 125 पे आपका दिया है कैलेंडर, जैसा का कैलेंडर आज जो है कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो इसमें दिया आपका कि यू हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर, आपको रूप में लिखा हुआ है सब चीजें, आप उसको देखिए अच्छे से। यू हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर, आपने जो है बहुत से प्रकार के कैलेंडर देखे होंगे, देख चुके हैं, ठीक है। स्मॉल कैलेंडर, बिग कैलेंडर, वन पेज कैलेंडर, थ्री पेज कैलेंडर, वॉल कैलेंडर एंड डेज कैलेंडर, ठीक है। जैसे छोटे कैलेंडर, बड़े कैलेंडर, वन पेज एक पेज का कैलेंडर, थ्री पेज का कैलेंडर, और वॉल कैलेंडर जो आपको दीवार पर रखा जाता है वॉल कैलेंडर, और आपका जो डेस्क पे रखा जाता है मेज पर वो कैलेंडर, ये सारे सारे कैलेंडर जो है आपने देखे होंगे। एक कैलेंडर इज फॉर वन ईयर, एक कैलेंडर जो होता है किससे वन ईयर के लिए होता है, एक कैलेंडर जो है वन ईयर के लिए होता है, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, कैलेंडर में आप देखे होंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट, और यह जो है कितने पार्ट में रहता है, 12 पार्ट में रहता है, और मंथ 12 पार्ट या मंथ 12 महीने में, और या फिर 12 पार्ट में आपका यह डिवाइड होता रहता है। ईच मंथ इज डिवाइडेड इनटू वीक, और प्रत्येक मंथ जो है प्रत्येक मंथ क्या होते हैं डिवाइड होते हैं इसमें इनटू वीक, सप्ताह में, सप्ताह में प्रत्येक मंथ जो है सप्ताह में डिवाइड होते हैं, और एक वीक इज ऑफ 7 डेज, और एक सप्ताह में जो है आपको बताया गया था कि 7 डेज होते हैं, एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं। ए मंथ जनरली है 4 वीक, और एक मंथ में बेटा जनरली यानी सामान्यतः जो है आपका 4 वीक्स होते हैं, कितने वीक्स होते हैं 4 वीक्स होते हैं, प्लस ए फ्यू डेज एक्स्ट्रा, और एक कुछ दिन एक जो है आपका क्या होता है एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, एक आध दिन जो है एक्स्ट्रा होता है 4 वीक्स के बाद।
कुछ दिन द फॉलोइंग वीक विल हेल्प यू मेमोरीज द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। ये यहाँ पे जो निम्नलिखित जो दिन दिया गया है ये आपको क्या करेंगे याद करने के लिए मंथ महीनों को जो है महीनों के दिनों को याद करने में जो है सहायता देंगे। यहाँ पर देखेंगे करंट 30 डेज है सितंबर। यहाँ पे आपका बुक में देखेंगे या आपका बुक में तारीख खुद दी गई है, यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं ठीक है। ये आपका दिया हुआ है ठीक बेटो देखो दिया है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है 30 डेज है सितंबर, यानी कि सितंबर, उसके बाद कॉमा है अप्रैल जून एंड नवंबर, यानी कि सितंबर अप्रैल ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सितंबर सितंबर इसके बाद अप्रैल जून सितंबर अप्रैल एंड जून एंड नवंबर जून के बाद नवंबर एनओ बी एम बी आर नंबर। ये बेटा आप कितने होते हैं 30 डे, इन महीनों में 30 डेज होते हैं ठीक है। वही लिखा है 30 डेज है सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर ठीक है। इन महीनों में जो है 30 डेज 30 दिन होते हैं, उसके बाद ऑल द रेस्ट है 31। और जो बचे हुए महीने हैं जो बेटा उनके बाद अप्रैल और जून और नवंबर के बाद जो बचे हुए महीने हैं ऑल द रेस्ट है 31। उसके बाद जो बचे हुए महीने हैं क्या बेटा 31 ऑल द रेस्ट है और विच है 28 डे ऑल द रेस्ट है 31 डे एक्सेप्टिंग फरवरी अलोन, केवल फरवरी को छोड़कर। अभी तो ऑल द रेस्ट है 31 डे ठीक है। इन महीनों में चार महीनों का सम्मान ये तो आपके होते हैं और उसके बाद वह आपका 31 डेज का होता है केवल फरवरी को छोड़ करके, केवल फरवरी को छोड़ करके, क्योंकि विच है 28 डेज क्लियर एंड 29 इन ईच लीव ईयर। और यहाँ से आपका जो 28 डेज है यह क्यों होता है होता है लेकिन यह क्या कहलाता है लीप ईयर ठीक है। मंथ क्या होता है में जो है फरवरी 29 दिनों की होती है और ऐसे जनवरी जो है अपना 28 डेज का होता है ठीक है। तो ये फरवरी को छोड़ करके और महीने को छोड़ करके जो खर्ची के वाले हैं बाकी जो खर्चों के लिए हैं उसमें क्या होंगे खर्ची बच जाएंगे और ये आपका 4 मंथ का 30 डेज होगा और फरवरी जो है 29 डेज होती है 29 होता है और 29 डेज का होता है जब लीप ईयर होता है। इसके बाद आपका दिया है
नटवर्क एंड जीन। सवाल को दिया है नंबर के यू एन सी के यू एन के एन के एन यू सी के ठीक है के एन यू के एन यू सी के नकल एच डी दिया है ठीक है नकल एंड डिप डी आई पी एल। ये क्या था बेटा आप सुबह को देखेंगे ये आपका जो दिख रहा है जो आपका मिट्टी बना हुआ है ठीक है ये आपका दिख रहा है बेटा ठीक है इसको देखिए ध्यान से ये अच्छी तरह से इसको देखेंगे ये जो आपको दिखाया जा रहा फिगर में ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आपका ऐसे जब मिट्टी आप बंद करेंगे ठीक है ऐसे मिट्टी आप बंद करें तो ये जो आपका उभरा हुआ है ये है इसे हम बोलते हैं नकल। ये जो उभरा हुआ है इसे क्या बोलेंगे नकल। और ये जो आपका गहरा है डिप है डिप डिप गहरा होता है डिप जो है आपका गहरा हुआ था ये आपका डिप बुलाया ठीक है नकल डिप नकल फिर डिप नकल फिर डिप फिर नकल ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको देखेंगे कर टू रीडली नो द नंबर ऑफ डेज मंथ यू कैन यूज द नकल एंड डिप ऑफ योर हैंड ठीक है। आप जो है अपने नकल अपने हैंड के आप योर हैंड अपने अपने हाथ के जो है जो आपका नकल और डिप दिया है इसकी सहायता से आप जो है महीनों के दिनों की संख्या को जो है पढ़ सकते हैं ठीक है। महीनों के जो दिनों की संख्या है उसको आप नकल और डिप की सहायता से आपको पढ़ सकते हैं। जैसे कर स्टार्ट काउंटिंग स्टार्ट काउंटिंग मंथ फ्रॉम द नकल एट आइदर इन ठीक है। आप कहाँ स्टार्ट करेंगे नकल ठीक है जो उगा मिलता है ठीक है जो नकल है वहां से स्टार्ट करेंगे इंट से या तो इधर से इंट से ठीक है बेटा। और यूज नकल एंड डिप वन बाय वन और आप जो है इस नकल को यूज करेंगे वन बाय वन नकल डिप नकल डिप नकल डिप नकल ठीक है। इस तरह से आप वन बाय वन यूज करेंगे वंस यू हैव यूज्ड ऑल नकल ठीक है। आप जो है वंस यू हैव यूज्ड ऑल नकल रीस्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्ट नकल जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट कर लिए नकल डीप नकल डीप नकल डीप फिर नकल फिर आपका हो जाएगा डीप फिर नकल फिर डीप इस तरफ जो है आप इसको करेंगे स्टार्ट करेंगे फिर नकल समझ गए री स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्ट नकल री स्टार्ट कहाँ करेंगे फिर ओरिजिनल से जैसे आपका यहाँ से यहाँ समझ हो जाएगा नकल से नकल से क्रूट होगा फिर नकल से स्टार्ट करेंगे डीप नकल डीप इस तरह से आप इसको करेंगे। ये देखते हैं तो पहले आप देखेंगे यू विल फाइंड आप पाएंगे क्या द मंथ ऑन द नकल का जो नकल वाला मंथ है जो आपके उभरे हुए हिस्से पर है नकल यहाँ पर देखेंगे जनवरी इस पे क्या आएंगे जनवरी आएगा उसका फरवरी आपके टिप में आ रहा है ठीक है। तो जनवरी मार्च उसके बाद मई उसके बाद जुलाई उसके बाद अगस्त उसके बाद अक्टूबर उसके बाद दिसंबर ऑल दिस मंथ हैव 30 डेज ईच ठीक है बेटा समझ गए आप। यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि द मंथ ऑल आपके जे ए जे ए आई ए
कि ये जो नकल से होते हैं जैसे आप गिनेंगे जनवरी तो फरवरी आपका डिस्क हो जाएगा छोड़ देंगे फरवरी छूट गया मार्च मार्च निकल रहा है उसके बाद अप्रैल छूट गया मई लिखा है फिर जून छूट जाएगा जुलाई निकल रहा है ठीक है नकल्स वाले क्यों नकल्स क्या है जुलाई के बाद फिर पूरा आप वहाँ निकल करेंगे नकल से अगस्त थर्टी वन ठीक है अगस्त फिर सितंबर छूट गया है फिर अक्टूबर आएगा नकल पे फिर नवंबर छूटेगा आपका लास्ट छूट जाएगा दिसंबर तो ये जो नकल वाले जो आपके कितने दिन बचे बेटा 31 डेज के आप यहाँ नकल जब आपका ईद होगा समाप्त होगा तो पूरा फिर हम नकल से चलेंगे तो वो अगला महीना के अपना 31 होगा याद रखेंगे ठीक है तो ये 31 बजे होंगे द मंथ ऑन द डीप का जो डीप क्या होंगे द मंथ ऑन द मंथ ऑन द डीप ये इसमें कौन कौन से मंथ होंगे सब बताया गया इसमें फरवरी अप्रैल या बी आर ए आर आर फरवरी अप्रैल जून सितंबर सितंबर और का नवंबर एंड यानी वो बी बी एम बी बी एम बी ठीक है नवंबर द मंथ ऑफ फरवरी एंड 28 डे अब ये आपको क्या कहता है फरवरी है फरवरी का शब्द कितना होता है 28 और 29 डे 28 और 29 डे होता है और बाकी ये जो साल है ये आपके लिए क्लियर जो डिप्स वाले हैं ठीक है जो डिप्स वाले हैं वो आपके एक महीने मंथ में अप्रैल जून सेप्टेम्बर है नवंबर ये आपके 31 होंगे केवल आपको फरवरी को बताया गया था कि 28 डेज का होता है और 29 डेज का होता है जब लीप ईयर होता है जब लीप ईयर होता है प्रत्येक लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का होता है आपको बताया गया है एक वर्ष में ए ईयर इज इक्वल 365 डेज बट अ लीप ईयर इज इक्वल आपका होगा 366 डेज यही जो आपका 29 28 को क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है ठीक है आप नकल को डिप से जाता तभी आप दिनों महीनों के दिनों की संख्या का याद कर सकते हैं कुछ दिया हुआ है उनको चीज कुछ दिया है समझ सकते हैं और आपको दिया है वीक अगला आपको दिया है वीक सप्ताह डब्ल्यू वाली चीज वीक दिया है आपका कराई वीक कंसिस्ट ऑफ 7 डेज इजली फ्रॉम संडे टू सैटरडे टू फ्रॉम मंडे टू संडे ठीक है ये आपका सप्ताह जो आपका 7 दिन होते हैं
या जो है कहाँ से आपका यूजली फ्रॉम संडे, संडे से सैटरडे, संडे स्टार्ट करेंगे संडे मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, या आप कर सकते हैं मंडे टू संडे, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। देयर आर 52 वीक्स एंड वन एक्स्ट्रा डे इन ईयर। आप याद रखेंगे देयर आर 52 weeks and one extra day and one extra day यानी कि देर आर 52 वीक्स, यानी कि 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक वर्क डे, वर्क डे जो है 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है, एक्स्ट्रा डे होता है। और आपका देखो ना जो आपका लीव ईयर आएगा तो कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। ए लीव, ए लीव ईयर है 2 एक्स्ट्रा डे, ए लीप ईयर है 2 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। यानी कि मिला करके जो है आपका एक वर्ष में जो है कुल 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा डे होता है, फिर एक्स्ट्रा डे होता है पूरे एक वर्ष में, ठीक है। लेकिन जब लीप ईयर होता है, जिस वर्ष आपका लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर है 2 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। 52 वीक्स तो होंगे लेकिन जो एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 2 होंगे, ये याद रखें, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है और इसके बाद आपका पेज नंबर 126 पे आपका दिया है एसएस योरसेल्फ 12.4। पहला आपका है ए फिलिंग द ब्लैंक फॉर द ब्लैंक ऑन द बेसिस ऑफ द कैलेंडर, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2015, ठीक है। ये आपको जो है जैसे आपको अगर आपको जो है दो वर्ष जो है सुनने के लिए, ठीक है, वर्ष 2015 के कैलेंडर से आप जो है फिल करेंगे, ठीक है बेटा। 2015 से आपका कैलेंडर खोलेंगे 2015 का और इन सारे क्वेश्चन का आप उत्तर देंगे। आपका इससे एक आप उनको बता दे रहे हैं, बाकी आप जो है फुल करके इसको कैलेंडर को 2015 का उसको सॉल्व करेंगे। पहला आपका है फर्स्ट ऑन विच डे ऑफ द वीक, Which day of the week, on which day of the week was New Year's Day, was New Year's Day,
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आगे फिर ब्लैंक है, करा ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज न्यू ईयर डे, यानी कि न्यू ईयर जो नया साल का दिन होता है, पहला दिन नया साल, यानी 2015 का पहला दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। न्यू ईयर डे यानी कि न्यू ईयर डे यानी कि नए वर्ष का पहला दिन, ठीक है, कौन सा होगा। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो कौन सा दिन होगा जो नए वर्ष का पहला दिन होगा 2015 के लिए, ठीक है बेटा। तो आप 2015 में देखेंगे, आपका जो फर्स्ट डे है 2015 का फर्स्ट डे जनवरी मंथ में, ठीक है, इस महीने में है, जनवरी होगा पहला दिन, और वो होगा आपका थर्सडे। क्या होगा, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे, ठीक है, THURSDAY, ठीक है। ये आपका पहला दिन होगा 2015 में, आपका फर्स्ट डे होगा, और क्या होगा, पहली तारीख को फर्स्ट जनवरी को उसका क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है, यू आर एस डे वाई थर्सडे, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप बच्चों के क्वेश्चन 2015 के कैंडिडेट से इसको देख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेपर 2, 3, 4, 5, 6 ये बच्चों के क्वेश्चन है, इसको आप जो है करने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं आ पाएगा तो इसको जो है बताया जाएगा आपको, लेकिन पहले जो है आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे बताया गया कॉल करके आप उससे ये प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पूरे रिलेशन का पहचान करने का जाएगा, कैसे करते आपका दिया है कंप्यूटर रिवीजन, ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो बताया जाएगा, इसके लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।